दतिया की कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने होटल में छापामार कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग कमरों से युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। देह व्यापार की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास संस्कृति होटल में बुधवार को दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने दो युवतियों व दो युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। TI धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संस्कृति होटल में अनैतिक काम होता है। इसके बाद एक टीम बनाकर संस्कृति होटल में छापा मारा। यहां से दो अलग अलग कमरों से दो युवती और दो युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के साथ ही अनैतिक सामग्री बरामद की गई। मौके से पुलिस ने युवक युवती होटल मैनेजर देवेंद्र पाल के साथ होटल मालिक को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि संस्कृति होटल पर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, देह व्यापार चल रहा है वहां पर, जिसकी सूचना पर टीम के साथ रवाना हुए। वहाँ जाकर जो उनके मैनेजर मिले, मैनेजर से पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे होटल में कोई भी ऐसे जोड़े नहीं हैं। उसके बाद उनका रजिस्टर चेक किया गया तो रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। उसके बाद होटल चेक किया गया तो दो कमरों में दो जोड़े मिले, जो कि दोनों ही आपत्तिजनक अवस्था में मिले। आपत्तिजनक उनसे वस्तुएं भी प्राप्त की, जिनको जब्त किया गया। और उसके बाद में होटल मालिक अनुराग गुगेरिया, अन्य चार लोगों के खिलाफ, टोटल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।